हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉनिक स्मार्ट क्लास। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोई सर्ट ट्रिक्स, किसके ऊपर में, क्लॉक के ऊपर, क्या क्या निकलने के लिए, जो जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला वाला है क्या हमारा एंगल, कि क्लॉक में अगर कोई हमको टाइम दी गई है, हम उसके कैसे उसका एंगल निकाले, ये होगा हमारा पहला। दूसरा होगा मिरर इमेज ऑफ द टाइम, अगर कोई टाइम पूछा गया है एनालॉग क्लॉक में, उसका मिरर इमेज कैसे आएगा, उसको ट्रिक से करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा वाटर इमेज, कि कैसे वाटर इमेज हम फॉर्म कर सकते हैं जो जो टाइम हमें पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां पर एक वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बॉनिक स्मार्ट क्लास तरफ से, जहां से कि वो सारे चीज आपका क्लियर हो जाएगा, जो जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या फिर रेलवे या फिर आईबी क्लॉक के थ्रू से आता है, जो कि होता है एंगल का फॉर्मेशन या फिर मिरर इमेज ऑफ द टाइम या फिर वाटर इमेज ऑफ द टाइम। अब चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि एंगल कैसे फॉर्म होता है। तो एंगल कैसे फॉर्म होता है, मैं पहले एक नॉर्मल सा टाइम ले जाता हूं आपके लिए। अगर कोई वक्त दी गई है 3 बजा हुआ है, ठीक है, क्या है वक्त, 3 बजा हुआ है, तो हमें तो यह पता है कि 3 जब बजता है हमारा जो आवर एंड होता है वो कहां रहता है, 3 के ऊपर, और जो मिनिट एंड होता है वो किसके ऊपर रहता है, वो रहता है मेरा 12 के ऊपर। ये वाले क्वेश्चन अगर कोई ओ क्लॉक होता है तो हम उसको आसानी से बना देते हैं। कैसे आसानी से बना देते हैं, 3 o'clock है, यानी कि ये जो मेरा यहां पर जो डिफरेंस है, अगर मैं ये पूरा क्लॉक को एक सर्कल पकड़ लूं, तो अगर सर्कल पकड़ लेता हूं तो पूरा एंगल मेरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और यहां पर 360 डिग्री के लिए कितना डिवीजन है ना, 12 डिवीजन है, ठीक है। यानी कि अगर 12 डिवीजन 360 डिग्री दे रहा है तो एक डिवीजन कितना देगा, एक डिवीजन मेरा 30 डिग्री होता है, यानी कि ये 12 से 1 के बीच में ये जो गैप है मेरा, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। 1 से 2 तक भी 30 डिग्री, 2 से 3 तक भी 30 डिग्री, यानी कि अगर यहां पर मैं देखूं तो मेरा ये आवर हैंड पूरे के पूरे 3 के ऊपर, और यहां पर मिनिट हैंड पूरे के पूरे 12 के ऊपर आ जाएंगे। यानी कि यहां पर जो कंप्लीट 30 डिग्री बनना शुरू हो जाएगा, यहां पर 30, यहां पर 30, और यहां पर भी 30 डिग्री। यानी कि अगर मुझे पूछा जाता है कि 3 o'clock में एंगल कितना फॉर्म होता है, किस किस के बीच में, आवर हैंड के बीच में एंड मिनिट हैंड के बीच में, यहां तो मैनुअली आप बता सकते हो 30 + 30 + 30 = 90। यहां पर यह चीज भी आप कर सकते हो 3 × 30 डिग्री, जो कि आपको कितना आएगा, 90 डिग्री। यह चीज मैं किस लिए बता रहा हूं, अगर कोई वक्त आपका ओ क्लॉक वाला हो, यानी कि यह किसके लिए था, 3 o'clock। उस तरह अगर मैं पूछता रहूं कि 10 o'clock के लिए निकालिए, तो कैसे बताएंगे 10 o'clock के लिए, 10 × 30, तो ये कितना आएगा मेरा, ये आ जाएगा 300। अभी आप ये पूछोगे सर 300 डिग्री क्या मैं आंसर में लिखूं, मैं क्या 300 डिग्री आंसर में लिखूं, यानी कि अगर मैं 10 o'clock पूछा गया है आपको, तो ये बनेगा आपका आवर हैंड, देन यही वाला ही आपका अगेन रहेगा मिनिट हैंड, सही है फिर गलत। तो आप पूछोगे कि ये जो 300 डिग्री आप यहां पर निकाले सर, वो तो ए वाला एंगल है, कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल मेरा 300 डिग्री का है, ठीक है, ये वाला कितना बनता है 300 डिग्री। लेकिन मैं 300 लिखूं या फिर आंसर कोई और आएगा, हर वक्त इस चीज को ध्यान रखना, एंगल आपको जब भी पूछा जाएगा हमेशा एंगल का आंसर 0 से 180 के बीच में आना चाहिए, समझे। कभी भी अगर आपको एंगल पूछे तो एंगल आपका हमेशा कहां से आना चाहिए, 0 से ज्यादा 180 से कम, यानी कि आपका 300 डिग्री तो सही है, लेकिन आंसर ऑप्शन में 300 नहीं होगा, आंसर ऑप्शन में क्या होगा, 360 - 300, यानी कि आपका आंसर 60 डिग्री ही सही बनेगा। समझ गए या फिर कोई गलत, समझ गए या फिर नहीं, यानी कि ये जो 60 डिग्री कौन सा पार्ट है पता है, यही वाला हिस्सा, यानी कि ये है आपका 30 और ये है आपका 30, इन दोनों 30 मिलके आपका क्या बनता है, 60 डिग्री, क्लियर। कभी भी ये मत नहीं निकालना कि मेरे को तो जो भी ओ क्लॉक होगा उसमें 30 मल्टीप्लाई करना है, आंसर दे देना है। आप अगर 30 मल्टीप्लाई करने के बाद आपके आंसर अगर 0 से लेकर 180 डिग्री तक आ रहा है, तो वो आपका आंसर है, उसमें कोई गलत नहीं। लेकिन अगर वो आंसर आपका इस तरह से 180 से एक्सीड कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, 360 से उसी चीज को घटा दो, जो आपको बच के आएगा वही होगा आपका आंसर। हमेशा याद रखना, अगर कोई एंगल आपको पूछा जा रहा है तो एंगल का आंसर हमेशा 0 से 180 डिग्री तक ही होना चाहिए, ठीक है।
यह हमारा पहला हिस्सा है जब हम सोचे कौन से चीज के लिए, जब हमें कोई ओ क्लब दी गई हो, ठीक है। ओ क्लब दी गई है जितना ओ क्लब, अभी हमें पूछू 5 O'clock तो क्या करेंगे 5 × 30। अब मैं पूछ रहा हूं 1 O'clock तो क्या करेंगे 1 × 30। अभी पूछ रहा हूं मैं 4 O'clock सो 4 × 30, समझ गए। ये हमारा था किसके लिए, ओ क्लब के लिए। अब हम चलेंगे कहां पर, जब कोई ओ क्लब नहीं मेंशन होगा, कोई एक सफिशियंट टाइम हमें दी जाएगी कि 4:15, 5:37, 9:12। अब इसका कैसे हम निकाले एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, तो चलिए अगर किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम उसके बाद अगले तरफ चलते हैं। ओके अभी देखिए, तो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे कोई टाइम दी गई है 4:27 और एक टाइम दी गई है मेरे को 9:12 और एक वक्त है मेरे पास 8:20। अब इन लोगों का हम कैसे निकाले एंगल, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बस इसे याद रखना और इसको पुट कर लेना तो आपका आंसर इमीडिएटली आपके पास आ जाएगा। वो एंगल इसलिए इस तरह से निकालोगे, थीटा इज इक्वल टू 30h डिफरेंस ऑफ 11/2 ऑफ m। क्या निकालना है यहां पर, थीटा इज इक्वल टू 30h डिफरेंस ऑफ, ये माइनस नहीं है ये डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 11/2 ऑफ m। ये h का मतलब क्या है, ये h का मतलब है आवर, ये h का मतलब क्या है आवर, ये m का मतलब क्या है, ये m का मतलब है मिनट, क्योंकि हमें यहां पर कितने बज के कितना मिनट दी गई है या फिर नहीं, यानी कि ये वाला चीज मेरा है आवर और ए वाला चीज है मेरा मिनट। सिमिलरली यहां पर भी ये वाला आवर, ये वाला मिनट, यहां पर भी ए वाला आवर और ए वाला मिनट। अभी बस कुछ नहीं, जो फॉर्मेशन मैंने ऊपर लिखे गए हैं उसी को ही डाल दीजिए, बस वहां पर वैल्यू पुट करना है और आंसर आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। अब चलिए, क्या हुआ है यहां पर 30 × h, सो h के जगह पे मैं क्या डालूंगा 4, डिफरेंस ऑफ 11/2 × m, m के जगह पर कितना डाला जाएगा 27, यानी कि ये कितना बनता है देखो 120 डिफरेंस ऑफ, इसको अगर मैं लिख के चलूं तो ये बनेगा हमारा 297/2, यानी कि ये मेरा बन के आएगा 120 डिफरेंस ऑफ 148.5। अगर इसको मैं यहां पर डिफरेंस लगाओ, ये माइनस नहीं है कि आंसर माइनस की नेगेटिव पे ले आओ, ये डिफरेंस के यानी क्या मेरे हायर नंबर से लोअर नंबर को घटाना है, तो ये मेरा आएगा 28.5 क्या डिग्री, यानी कि 4:27 में जो एंगल मिनट हैंड और आवर हैंड में फॉर्म होता है वो कितना बना मेरा 28.5 डिग्री। अब चलिए दूसरे को करते हैं 9:12, ठीक है। अभी 9:12 को करना है तो क्या करेंगे, वही फॉर्मेशन 30 × h का मतलब 9, डिफरेंस ऑफ 11/2 ऑफ m, m का मतलब कितना 12, तो अब मेरा ये कितना निकल के आता है 270, ये डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ये आ जाएगा मेरा 6 यानी कि 66, तो टोटल आएगा कितना मेरा 204 डिग्री। अब यहां पर चीज है, मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले बोला ये कि हमेशा मेरा एंगल कितना होना चाहिए 0 से 180 के अंदर होना चाहिए, तो आप बोलो क्या 204 गलत है, 204 गलत नहीं है लेकिन मुझे आंसर 0 से 180 तक देना चाहिए, तो बोलो इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूं 360 − 204, तो ये कितना बनेगा, ये बना मेरा 6, ये बना मेरा 5, ये बना मेरा 1, तो 156 डिग्री। आपका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में 156 होगा, 204 नहीं होगा। अब ये मत सोच लेना कि मेरा आंसर तो 204 रहा था, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में तो 204 है ही नहीं, तो ये आंसर मेरा नॉन ऑफ दीज है, आंसर आपका नॉन ऑफ दीज नहीं है, आंसर आपका 156 ही होने वाला है, बस आप उसको 360 से घटाना चाहिए था, ठीक है, समझ गए। ओके चलिए अब दूसरे को देखते हैं, ये वाला चीज को 8:20। अब इसको आप भी बना सकते हैं, यहां पर कोई गल नहीं, देखते हैं कैसे होता है। सो 30 × 8 यानी कि h डिफरेंस ऑफ 11/2 × m यानी कि 20, तो ये मेरा कितना आता है 240 डिफरेंस ऑफ,
ये घट के आएगा 10, यानी कि 110। तो यहां पर मुझे को आंसर कितना आएगा, 130 डिग्री। तो यहां पर ये अब सही बन जाएगा, क्योंकि 130 डिग्री मेरा 0 से 180 के अंदर में आता है। ठीक है, समझ गए अब। यानी कि अगर ओ क्लॉक कभी भी आपको दी गई हो तो एंगल कैसे निकाले, बस 30 से मल्टीप्लाई कर देना जितना ओ क्लॉक आपको दी गई हो। क्लियर। अगर कोई वक्त वहां पर आवर और मिनट दोनों के दोनों है तो कैसे निकालोगे, ये फॉर्मेशन याद रख लेना कि थीटा इज इक्वल टू 30h डिफरेंस ऑफ 11/2 ऑफ m, h के जगह पर आवर डालना और m के जगह पर मिनट, उसके बाद उसको सॉल्व कर देना, जो भी आंसर निकलेगा वही होगा आपका एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना वहां पर, अगर कोई एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, अगर कोई एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है तो 360 से उसे घटवा देना। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा एंगल फॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन। अभी चलते हैं, देखते हैं क्या मिरर इमेज। बोला था ना कि टाइम का मिरर इमेज भी निकालेंगे, चलिए अब देखते हैं। अभी देखिए मिरर इमेज का हमें फॉर्मेशन करना है। अच्छा, मिरर इमेज का पहला ये तो कॉन्सेप्ट होता है कि हमें यहां पर एक मिरर चाहिए। यह दो घड़ी नहीं है, एक ही घड़ी है। इस ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां पर मेरा इमेज आएगा। ठीक है, और यहां पर मेरा वो मिरर को मैंने प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल आपको इस तरह से बता देता हूं जो कि मैन्युअली होते हैं। अगर मेरा कोई वक्त बजा है 2:50, तो 2:50 मतलब यहां पर होगा मेरा मिनट हैंड और यहीं पर होगा मेरा आवर हैंड। ऐसा बजेगा, क्या मेरा टाइम है 2:50। अब अगर इसका मैं मिरर इमेज निकालू तो वो किस तरह दिखेगा, पहले देखिए। मिरर इमेज को मेरे को पता है कि जो चीज राइट में होता है वो लेफ्ट में चला जाता है और जो चीज लेफ्ट में होता है वो राइट में चला जाता है। ठीक है, यानी कि अगर ये वाला चीज 3 के ऊपर है तो अभी मेरा जो आवर हैंड होगा वो 9 से 10 के बीच में होगा, यहाँ और ना। यहां पर मिनट हैंड 10 के ऊपर है तो यहां पर मिनट हैंड 2 के ऊपर होगा। यानी कि ये जो वक्त बजा 9 से 10 के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड 2 पे, तो ये समय कितना होता है 9:10। सही या फिर गलत, ये वक्त कितना बनता है 9:10। चलिए और एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। अगर मेरा वक्त अभी है 7:15, 15 नहीं, अभी इसको ले लेते हैं कोई आसानी सा 25 मिनट, 8:25, तो 25 मिनट का मतलब मेरा मिनट हैंड 5 के ऊपर होगा और ये जो आवर हैंड है वो 8 और 9 के बीच में होगा, हाँ और ना। अभी उसका अगर यहां पर मैं इमेज निकालू तो ये जो मेरा मिनट हैंड 5 के ऊपर है, यहां पर वो मिनट हैंड 7 के ऊपर होगा और ये जो आवर हैंड 8 और 9 के बीच में है, यहां पर वो आवर हैंड 3 और 4 के बीच होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर इस तरह से टाइम आता है कि आवर हैंड मेरा 3 से 4 के बीच, मिनट हैंड मेरा 7 के ऊपर, वो वक्त कितना बनता है, वो मेरा था 8:25, 25 मिनट। इसका मिरर इमेज मेरे को निकल के कितना आता है 3:35। यही होता है या फिर नहीं, ये हुआ मेरा मैन्युअली। लेकिन आपको मैन्युअली नहीं करना है, आपको ट्रिक से करना है, आपको शॉर्टकट डालना होता है। तो कैसे डालेंगे शॉर्टकट, अभी बताता हूं। कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन दो और वह पूछा जाए मिरर इमेज, आपको बस ये चीज करना है, उस टाइम को 1160 से घटा देना है माइनस द टाइम गिवन। यानी कि मेरे को कितना पूछा गया था 2:50, दूसरा क्वेश्चन क्या था 8:25। मेरे को करना क्या है, दोनों के दोनों को घटाना है, किससे घटाना है 1160 से घटाना है 1160, और यहां पर लगा 1160। अब इसको घटा के देखिए आंसर कितना आता है, यह बनेगा मेरा 9:10, यह बनेगा मेरा 3:35। अब देखिए ये वाला 3:35 है या फिर नहीं, और ये देखिए ये वाला 9:10 है या फिर नहीं। अब समझ गए किस तरह करना है, ये तो आपका मैनुअल और ट्रेडिशनल वे हो गया कि कैसे मैं मिरर इमेज को करता हूं, जो कि आपको पता है कि मिरर में लेफ्ट का कॉम्बिनेशन राइट में आता है, राइट का कॉम्बिनेशन लेफ्ट में आता है। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है, एग्जाम से अगर इस तरह से करेंगे तो आपका बहुत ही टाइम चला जाएगा। आपको किस तरह से करना है, आपको बस इस तरह से करना है कि कोई भी टाइम आपको गिवेन हो 11:60 से इसको घटा देना है। वो 11:60 में इसलिए लिखा, एक्चुअल में इसको 12 से घटाना होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाता है जब हम 0-0 लिखते रहते हैं, क्योंकि हमारे पुराने से ये चीज में हम
आदि हैं कि अगर जीरो है तो वो हम उसको 100 समझ लेते हैं, लेकिन घड़ी में तो 100 होता नहीं, घड़ी में क्या होता है, घड़ी में तो 60 होता है मैक्सिमम, इसीलिए मैंने उसको 1160 लिख के रखा। तो आप एक काम कीजिएगा, जो भी टाइम आपको दी जाएगी 1160 से उसे घटा दीजिएगा, आपके पास आपका मिरर इमेज वाला टाइम जरूर के जरूर पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ गए? यानी कि मिरर इमेज पूछा गया है तो क्या करना चाहिए, वो जो वक्त आपको दी गई है उसको डिड्यूस कर दीजिए, किससे, 11:60 से। ठीक है, ऑल क्लियर, वेरी गुड। अब चलिए, ये हुआ हमारा मिरर इमेज। उसके बाद जो मैं आपको बताया था कि वाटर इमेज भी आपको बताऊंगा, तब हम वाटर इमेज को देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब वक्त है वाटर इमेज का। तो हमें पता है वाटर इमेज में कॉम्बिनेशन कैसे आता है, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट, यहां होता है हमारा इमेज, और ये वाला रहता है हमारा मिरर। नहीं, मिरर अगर इस तरह रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, नहीं ये वाला मिरर है, बस सीक्वेंस चेंज होना चाहिए। हाँ नहीं, आप अब बोलोगे कि सर यहां पर तो ऑब्जेक्ट होता है, ऊपर इमेज होता है। एक चीज याद रखना, मिरर इमेज आप अगर कर रहे हो तो राइट में मिरर रखो या फिर लेफ्ट में मिरर रखो, इमेज सेम टू सेम दिखाई देगा। अगर वाटर इमेज आप कर रहे हो तो ऊपर मिरर रखो या फिर नीचे मिरर रखो, आपको इमेज सेम टू सेम पता चलेगा। ठीक है, अभी देखिए, अब मैं कुछ टाइम्स ले रहा हूं वो मैनुअली आपको दिखाने के लिए। अगर कोई वक्त बजा हुआ है यहां पर 4:15, तो 4:15 का मतलब यहां पर रहेगा आपका मिनट हैंड और ये आवर हैंड में 4 नहीं, उसको जरा चेंज कर लेता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। इसको मैं ले लेता हूं 7:15, यानी कि 7:00 का मतलब वो आवर हैंड यहां पर होगा। हाँ और ना, अभी इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो मिरर इमेज किस तरह से, जब से कि वो वाटर बने, यानी कि वो मिरर मेरा कहां पर प्लेस है, ऊपर प्लेस है। अब जब वाटर इमेज बनता है, मिरर इमेज में क्या होता है, राइट होता है लेफ्ट, लेफ्ट होता है राइट, वाटर इमेज में हमारा राइट लेफ्ट चेंजेस नहीं होता, वहां पर चेंज होता है टॉप एंड बॉटम। टॉप के चीज बॉटम में जाता है, बॉटम के चीज टॉप में आते हैं, यानी कि ये जो 3 के ऊपर यहां पर है ना, ये भी 3 के ऊपर आ जाएगा, कोई गल नहीं। लेकिन यहां पर वो जो निचले वाला हिस्सा इसका 7 से थोड़ा ऊपर था, जो निचले वाला हिस्सा 7 से थोड़ा ऊपर था, वो चीज अब कहां पर आ जाएगा, वो चीज अब 10 से थोड़ा ऊपर आएगा। जैसे कि ये नीचे आ रहा था ना, अब ये ऊपर चला गया। अब इसको देख लीजिए, अगर मैं इसको यहां से फोल्ड कर लूं, इस तरह से फोल्ड कर लूं, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, पूरे सेम टू सेम दिखाई देंगे। तब बोलो ये वाला वक्त कितना है, ये आप बोलोगे कि ये सर 10:15 है। मैं कहा हां ठीक है, ये गलत है पहला। अब दूसरे देखते हैं, हर एक एग्जाम्पल इसलिए करवा देता हूं कि आप मैनुअली भी समझ लो, आप ट्रिक से भी कर लो। एग्जाम पे अगर कभी आता है, आपको ट्रिक ना आए तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, क्योंकि जरूरी है एक नंबर। ठीक है, अब देखो, अगर कोई वक्त है मेरा यहां पर लेते हैं 10:40, तो 10:40 का मतलब यहां पर मेरा आएगा मिनट हैंड, और जो आवर हैंड होगा वो 10 से 11 के अंदर आएगा। यह बनेगा मेरा आवर हैंड, अच्छा इसे जरा छोटा बना देता हूं, ये बनेगा मेरा आवर हैंड और ये बनेगा मेरा मिनट हैंड। इसका मैं जब इमेज यहां पर निकालू, अब देखिए ये जो साइड तो इसका चेंज नहीं होता, ये जो 8 के ऊपर आपका मिनट हैंड है, वो मिनट हैंड आप किसके ऊपर आ जाएगा, वो आपके यहां से 2 चीज ऊपर है ना, यहां से 2 चीज नीचे, यानी कि आपका जो मिनट हैंड है वो 10 के ऊपर आएगा, और यहां पर जो आवर हैंड जो 10 और 11 के बीच में है वो यहां पर कहां आएगा, 8 और 7 के बीच में आएगा। यानी कि यह वक्त मेरा कितना बनेगा, 7:50। समझ गए, ये क्या बताएगा मेरा 7:50। और एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, अगर कोई वक्त है मेरा 4:45, तो इसके मैं कैसे बनाऊंगा, ये बनेगा मेरा मिनट हैंड इस तरह से, और आवर हैंड मेरा 4 और 5 के बीच में आएगा। इसका अगर अब मैं अगर इमेज निकालने चलू, कौन सा, वाटर इमेज, तो ये मेरा कहां आता है, 4 से 5 के अंदर आता है, तो ये वाला चीज मेरा कहां से अंदर आएगा, 1 और 2 के अंदर में आएगा मेरा आवर हैंड, और जो मिनट हैंड यहां पर 9 के ऊपर है, ये भी मिनट हैंड 9 के ऊपर आएगा। यानी कि 4:45 था, ये मेरा कितना बजा, 1 से 2 के अंदर आवर हैंड और मिनट हैंड 9 के ऊपर, यानी कि 1:45। यही बना या फिर नहीं। अब ये तो हो गया मेरा मैनुअली, मुझे बनना है ट्रिक से। अब एक चीज याद रखना, यहां पर मुझे 2 तरह की क्लॉक की साइड को कंसिडर करना चाहिए। ये बताता हूं आवर के लिए, ये बताता हूं मैं मिनट के लिए। यानी कि अगर आपका मिनट हैंड इस तरफ है, यानी कि ये आपका राइट साइड हुआ, ये आपका लेफ्ट हुआ, यहां पर ये भी आपका राइट हुआ, ये आपका लेफ्ट हुआ।
अगर आपका मिनी डैंड राइट साइड में है तो आप उसको 30 से घटाओगे, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो आप उसको 90 से घटाओगे, अगर आपका आवर हैंड राइट साइड में है तो आप उसको 5 से घटाओगे, अगर आपका आवर हैंड लेफ्ट साइड में है तो आप उसको 17 से घटाओगे। समझे या फिर नहीं? बस याद रखना है चार नंबर, आवर के लिए 5, 17, यानी कि अगर आवर हैंड आपका राइट साइड में है तो 5 से घटाओगे, अगर आवर हैंड लेफ्ट में है तो 17 से घटाओगे, अगर मिनट हैंड आपका राइट साइड में तो 30 से घटाओगे, अगर मिनट हैंड आपका लेफ्ट साइड में हो तो 90 से घटाओगे। अब देखो कैसे होता है, अब हम जो जो चीज यहां पर लेते हैं इसको मैं यहीं लिख लेता हूं। क्या क्या टाइम था मेरे पास, 7:15, दूसरा था मेरा 10:40, तीसरा था मेरा 4:45। अब किससे घटाना है मेरे को, सबके सबको विथ रेस्पेक्ट टू देयर पोजिशन, ये मेरा आवर है, ये मेरा मिनट है, यहां पर ये आवर, ये वाला मिनट, यहां पर ये वाला आवर और ये वाला मिनट। अब बोलो अगर मेरा आवर हैंड 7 के तरफ है, यानी कि आवर हैंड मेरा इस तरफ होगा या फिर नहीं, लेफ्ट के तरफ होगा। अगर आवर हैंड लेफ्ट के तरफ है ना तो मैं किससे घटाऊंगा, 17 से घटाऊंगा, ठीक है। अब मिनट में 15 बजा हुआ है, मिनट का 15 मतलब मिनट हैंड मेरा राइट तरफ होगा या फिर नहीं, तो मैं किससे घटाऊंगा, 30 से, तो मेरा आंसर कितना निकल के आएगा, 10:15। अब देख लीजिए यहां पर 10:15 था या फिर नहीं, समझे या फिर नहीं। अच्छा तो दूसरा कर लेते हैं, यहां पर 10:40, अब बोलो आवर हैंड 10 बजा हुआ है तो आवर हैंड का साइड कहां होगा, लेफ्ट में होगा या फिर नहीं, यहीं पर तो होगा ना, यानी कि इसको मुझको किससे घटाना है, 17। यहां पर 40, तो 40 मतलब मिनट हैंड कहां पर होगा, लेफ्ट साइड में ही होगा, तो मुझे किससे घटाना है, 90, तो ये भी कितना आएगा, 7:50। तो देखो ये भी 7:50 है या फिर नहीं, ये तो हम निकाल लेते हैं मैनुअली। अब यहां पर अभी बोलो 4:45, 4 है तो आवर हैंड का पोजीशन कहां होगा, इधर के साइड में होगा, तो किससे घटाना है, 5 से, और ये 45 मिनट हैंड किसके तरफ है, लेफ्ट साइड के तरफ, तो कितने घटाएंगे, 90, तो ये मेरा कितना निकल के आएगा, 1:45, तो ये यहां पर बना हुआ है या फिर नहीं। अब समझ गए किस तरह से हमें करना है क्वेश्चन को, बस आपको देखना है आवर हैंड का पोजीशन और मिनट हैंड का पोजीशन, उस हिसाब से आपको जो जो चीज नंबर पूछे गए हैं उससे बस डिड्यूस कर देना है, यानी कि आपको अगर आवर हैंड के लिए राइट के लिए 5 से, लेफ्ट के लिए 17 से, मिनट हैंड के लिए राइट के लिए 30 से, लेफ्ट से 90 से, वहां से आप जो वक्त दी गई है उसको डिड्यूस कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर जरूर आके पहुंच जाएगा जो कि 100% ट्रू होगा, और ये चीज आपको करने की जरूरत ही नहीं है। समझे या फिर नहीं, समझ गए। अभी इसको मैं इलाबोरेटली लिख लेता हूं, जो जो चीज हम आज हम पढ़ लिए, तो पहला क्या था हमारा, एंगल। अगर कहीं पे एंगल पूछा जा रहा है तो याद रखना थीटा इज इक्वल टू 30h डिफरेंस ऑफ 11/2 ऑफ m, ये था मेरा हमारा पहला। दूसरा क्या पढ़े हम, मिरर इमेज, किसका, ऑफ टाइम, तो इसको हम कैसे निकालें, 1160 माइनस गिवन टाइम। उसके बाद हमारा क्या आता था, वाटर इमेज, ऑफ वही टाइम। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें चारों वैल्यू लेना चाहिए, एक बनेगा मेरा 5:30, एक बनेगा मेरा 5:90, एक बनेगा 17:30 और एक बनेगा 1790। ये सारे चीजों से मुझे गिवन टाइम को माइनस करना है, इन सब से क्या करना है, माइनस द गिवन टाइम। लेकिन आपको इसलिए भी इस चीज पे फोकस करना है कि 17 कहां पर डाले और 30 कहां पर डाले, तो ये भी यहां पर लिख लेता हूं, ये लिख रहा हूं मैं आवर हैंड के लिए, अगर आपका आवर हैंड राइट के तरफ है तो आपको 5 से घटाना चाहिए, अगर लेफ्ट के तरफ है तो 17 से घटाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ये मिनट हैंड लिख रहा हूं, अगर आपका मिनट हैंड राइट के तरफ है तो आपको 30 से घटाना चाहिए, और अगर वो लेफ्ट की तरफ है आपको उसको 90 से घटाना चाहिए,
ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रिक, जो कि आप आसानी से अगर कभी भी आपका क्लॉक का एंगल पूछा जाए या फिर मिरर इमेज पूछा जाए या फिर वाटर इमेज पूछा जाए, आप आसानी से निकाल सकते हो, बहुत ही कम समय में आपका आंसर हो जाएगा। ट्रेडिशनली मैंने इसलिए बताया कि कभी अगर आप एक चीज भूल जाते हो कि कंफ्यूज हो जाते हो कि कहां से किसको घटाना है, तो ट्रेडिशनली भी आप कर सकते हो, क्योंकि इंपोर्टेंट एक ही नंबर है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, जिससे जरूर आपको यह पता चला होगा कि हम किस तरह से आसानी से सारे चीज को कर सकते हैं। तो क्लॉक से आने वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं वो मिरर से या फिर वाटर से या फिर हमारा एंगल से पूछा जाता है। बाकी क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन वो आज के डेट में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो सारे इजी बन चुके हैं, वो बस कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, बस आपको वैल्यू पुट करना होता है। और एक चीज होता है फॉल्टी क्लॉक, हम अगले ही कोई लेक्चर में फॉल्टी क्लॉक को लेके आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे उस हिसाब से, और फॉल्टी क्लॉक का भी कोई ट्रिक आपको बताएंगे और ट्रेडिशनली भी बताएंगे कि ट्रेडिशनली आप भी करो या फिर समझ जाओ कि कैसे होता है फॉल्टी क्लॉक, और ट्रिक होता है तो आप बहुत ही कम समय में उसको कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून्ड विद वाणिक एंड द वाणिक स्मार्ट क्लास विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट द प्रोग्रेस एंड ब्राइटन योर फ्यूचर। थैंक यू।